अब देखो ये दो ब्लॉक्स हैं, स्प्रिंग वाले क्वेश्चन है, एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये नीट में पूछा गया है, ठीक है। अब नीट में पूछा गया है तो बेसिकली 2017 में आया है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका ये है कि ऐसे बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं जब जेई एडवांस और मेंस लेवल के पढ़ते हैं ना, स्प्रिंग ब्लॉक वाले बहुत बनते हैं। तो जो प्रोसेस करने का तरीका एक बार कि जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम उसका एक इक्वेशन लिखते हैं, फिर स्प्रिंग काट देगा, स्ट्रिंग काट देगा, काट देंगे, ठीक है, काट कट देने, कट करने के बाद कटने का कंडीशन लगाएंगे और देखेंगे कौन किधर जा रहा है, ठीक है। चलो तो इक्विलिब्रियम पे फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसका इक्वेशन लिखते हैं। ये पहले क्वेश्चन समझ लो कि एक 3m का ब्लॉक है, एक m का ब्लॉक है, एक स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k से जुड़ा हुआ है और ये स्प्रिंग ऑब्वियसली इलॉन्गेट होगा यार। तो अगर मैं कुछ किसी टाइम बाद इस स्ट्रिंग को यहाँ से काट दिया यार, कट कर दिया, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है, वी वॉन्ट टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस टू ब्लॉक्स। चलो निकाला जाए। सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ये 3m वाला यहाँ आ गया, ठीक है, और ये स्ट्रिंग आ गया और ये m वाला, पहले कटिंग करने से पहले इक्विलिब्रियम में है तो इनका फ्री बॉडी डायग्राम लिखते हैं। तो 3m पे स्प्रिंग का फोर्स एफ के एक्स उधर लग रहा होगा, x क्या है, स्प्रिंग में इलोंगेशन, इस यहाँ टेंशन नीचे लग रहा होगा 3m पे, ये वाली स्ट्रिंग लगा रही होगी, साथ साथ अर्थ इस पे 3mg लगा रही होगी, और यह अगर इक्विलिब्रियम में है तो kx मस्ट बी इक्वल टू 3mg, kx मस्ट बी इक्वल टू 3mg प्लस टेंशन t, kx मस्ट बी इक्वल टू 3mg प्लस टेंशन t, इसका इक्वेशन लिख दिया मैं इक्विलिब्रियम में। अब इसका इक्वेशन लिखो, इस पे टेंशन ऊपर लगेगा और इस पे mg नीचे लगेगी, इस पे तो दो ही फोर्स लग रहा है, तो टेंशन t की वैल्यू mg आ गई, तो इन दोनों का मैंने इक्विलिब्रियम में इक्वेशन लिख दिया। अब जब मैं काटूंगा तो क्या होगा, सोचो, अगर मैंने सीजर लेके आया, कैंची लेके आया और इसको काट दिया, यहाँ से काट दिया, इसको काट दिया, तो जैसे ही वेन कट, जब इसको हम कट करेंगे, वेन कटिंग, वेन जब कट किया जाता है तो किसी स्ट्रिंग को कट करने के बाद उसका टेंशन जीरो हो जाता है यार, उसका टेंशन जीरो हो जाएगा। तो पहले यहाँ इन दोनों, अगर टेंशन जीरो हो गया, ठीक है, सबसे पहले इन दोनों में से के एक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि के एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, इस टेंशन को उठा के यहाँ रख दें, तो के एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3mg और प्लस mg, कितना mg भैया, 4mg यार, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4mg, दैट इज द के एक्स, ठीक है, ये आ गया हमारा के एक्स। लेकिन जैसे ही कट करोगे टेंशन जीरो हो जाएगा। अब अगर टेंशन जीरो हो गया, समझना इसको, टेंशन जीरो हो गया, अब ये जो 3m वाला था, 3m वाले पे 3mg नीचे लग रहा था, टेंशन नीचे लग रहा था और फोर्स kx ऊपर लग रहा था, ठीक है, क्लियर। जैसे ही टेंशन जीरो हो जाएगा, टेंशन t इज इक्वल टू जीरो, स्प्रिंग क्या थी, खिंची हुई थी यार, स्प्रिंग खिंची हुई थी, इलोंगेट थी, स्प्रिंग इलोंगेट थी, तो अगर फोर्स कम हुआ, फोर्स कम हुआ, टेंशन की वैल्यू कम हो गई ना, फोर्स इस ब्लॉक पे फोर्स कम हुआ, स्प्रिंग में फोर्स कम हुआ, तो स्प्रिंग ऊपर कॉम्प्रेस होगी, ऊपर कॉम्प्रेस होगी, तो ये ब्लॉक ऊपर ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा भाई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका नया इक्वेशन बना के एक्स माइनस एम जी, के एक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, स्प्रिंग कट करने के बाद जो 3kg वाला वो ऊपर जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेट खिंची हुई थी, फोर्स कम हुआ, थोड़ा सा कॉम्प्रेस होगा। चलो तो kx की वैल्यू उधर निकाल के लेके आए हैं 4mg, तो 4mg और 3mg में से माइनस कर दो इज इक्वल टू m में, तो कुल मिला के इसका मास 3 है ना भैया, तो 3 तो 3mg, तो 3mg mg mg g, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/3 से ऊपर जाएगा कौन, 3m वाला, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये छोटू m वाला किधर जाएगा। जैसे ही कट करोगे इस m वाले पे तो दो ही फोर्स लग रहा था, एक तो टेंशन लग रहा था, एक mg लग रही थी। जैसे ही टेंशन गायब हुआ, टेंशन जीरो हुआ, तो ये mg से नीचे गिरेगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, फोर्स इज इक्वल टू होता है m में, तो फोर्स इज इक्वल टू m में, मतलब इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा a' इज इक्वल टू g, ये फ्री फॉल कर जाएगा,
है ना, अच्छा प्रॉब्लम। तो a डैश इज इक्वल टू जी, और ये g बाई थ्री से ऊपर जाएगा और g से ये नीचे आएगा, है ना। तो ये g से भैया नीचे आएगा और ये g बाई थ्री से नीचे आएगा, है कोई ऑप्शन? देखो डायरेक्शन नहीं दिया है।